दोस्तों मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि अगर आप लोगों के पास चैनल एड्रेस नहीं है तो इस तरीके से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो, गूगल से कॉपी कर सकते हो, यूट्यूब से वीडियो को कॉपी कर सकते हो और अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक मेन चीज़ होती है, अगर हम ऐसा चैनल क्रिएट करते या फिर वीडियो को भी अपलोड कर लेते तो क्या हमें इस चैनल से अर्निंग होंगी? तो हाँ बिल्कुल होंगी, और आप लाइव प्रूफ भी देख सकते हो, आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। देखो यार मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी के टाइम में मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो जब भी हम किसी दूसरे की वीडियो को कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर गूगल से करते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, तो क्या होता है, मेन चीज़ ये होता है कि हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। हाँ अगर आप सेम टू सेम वीडियो को कॉपी करते हो और अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो बिल्कुल आपको कॉपीराइट क्लेम ही नहीं, आपको स्ट्राइक भी पड़ जाएगी और आपका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ों को तो ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास कंटेंट क्रिएट करने के लिए टाइम नहीं है तो बेस्ट आइडिया होता है कि आपको अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करके वीडियो को अपलोड करना चाहिए। तो मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं करना, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखो यार मैंने तो आप लोगों को कई बार बताया कि आप कॉपी पेस्ट करके कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा अलग अलग तरीके से बताती हूँ। जैसे कि हमें कुछ मोटिवेशन वीडियो क्रिएट करना होता है, हमें कॉमेडी कार्टून वीडियो क्रिएट करना होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, और आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम अर्निंग कैसे देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाते हो और सोशल ब्लेंड यहाँ वेबसाइट सर्च करते हो तो आप कोई भी चैनल की वहाँ पर अर्निंग देख सकते हो। मैं सिंपली आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। सिंपली जब भी आप अपने गूगल पे आते हो तो आपको कुछ सर्च कर लेना है, जैसे कि फ्री फुटेज होती है, फ्री वीडियो क्लिप होती है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको किस टॉपिक रिलेटेड वीडियो को क्रिएट करना है। कुछ स्क्रिप्ट होती है जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से कुछ कहानी यहाँ पर सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली मैं इमेज पे जाती हूँ। इमेज पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी कहानी यहाँ पर आ जाती है। देखो यार अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कहानी चाहिए तो आप वहाँ से स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो कहानी है वो पूरी फुली होना, आप शॉर्टकट में भी कहानी बता सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरीके से कहानी दिखेंगी, सिंपली आपको इस कहानी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं आपको आगे स्टेप पर बताऊँगी कॉपी करना है कैसे, अपने मैं सिंपली आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे कॉपी करना है, अपने एप्लीकेशन में कैसे आपको कॉपी पेस्ट करके वीडियो को क्रिएट करना है। सिंपली ये भी हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ कार्टून इमेजेस यहाँ पर लिख देना है। देखो यार अगर आप कार्टून वीडियो बना रहे हो तो आपको यहाँ पर, जैसे हमारी कहानी होती है तो ज़्यादातर कार्टून वीडियो में ही हमारी कहानी होती है, और मैं मेन चीज़ आपको बताऊँ ना कि अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हो ना तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से कार्टून्स आ गए हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी कार्टून को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो, आपके जैसे कहानी के हिसाब से मोमेंट चाहिए आप उस तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आपको सिर्फ पिक्सल से पिक्सल यहाँ पर सर्च करना है। मैंने आपको कई बार बताया आपको यहाँ पर पिक्सल सर्च कर लेना है सिंपली, और क्या करना है आपको पिक्सल से, आपको पिक्सा बाय से एक लिपसिंग वाली वीडियो उठाना है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो उठाना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद सिंपली जो भी आप सॉफ्टवेयर या फिर जो भी एप्लीकेशन का यूज करते हो आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सिंपली मैंने यहाँ पर काइन मास्टर ओपन कर लिया है। आपको हमेशा अपने यूट्यूब का साइज 60:9 ही रखना है। उसके बाद जो भी आपको स्टेप बताऊंगी ना आपको सभी स्टेप को देखना है, ध्यान से देखना है कि आप कैसे वीडियो को क्रिएट करते हो, और मैं आपको एंडिंग में बताऊंगी वीडियो क्लिप कैसे हमारी तैयार होती है, और आपको मैं एक बार बताऊंगी इतनी ज़बरदस्त वीडियो क्लिप तैयार होगी ना कि आप भी देख के हैरान हो जाओगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका स्क्रीन शॉट है आप, तो देखो इस तरीके से आपको इमेज को सेट कर देना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दो इमेज में बताऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आप अपनी वीडियो को लॉन्ग भी कर सकते हो और सारे इमेजेस डाउनलोड करके एड भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था वहाँ से सिंपली आपको उस टेक्स्ट पर आपको यहाँ पर उस टेक्स्ट को रख देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि आपको इस टेक्स्ट को भी कुछ थोड़ा बहुत एडिट करना होगा ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर पूरा समा जाए। उसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट की यहाँ पर एडिटिंग करनी होगी, और टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लास्ट तक, अगर आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट की हमारी थोड़ी बहुत एडिटिंग हो गई, अब हमारा ये जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको इस वाले पिक्चर पे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से कर देना है, तो जो आपका टेक्स्ट है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। तो आप यहाँ से अपने वॉइस ओवर कर लेना, आपकी जो वीडियो है उसमें वॉइस ओवर हो जाएगी, आपकी सिंपली वॉइस चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना, आपकी टेक्स्ट एडिटिंग हो गई, आपकी एक वीडियो क्लिप तैयार हो गई है। अगर आपको लिपसिंग का यूज़ करना है अपनी वीडियो में तो सिंपली आपको लेयर में जाना है, लिपसिंग मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यार सिंपली अगर आपको लिपसिंग का यूज़ करना है तो पिक्सल एप्लीकेशन से आप, या फिर वो एप्लीकेशन भी आता है उसे इंस्टॉल करके वहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और आप यहाँ लिपसिंग का यूज़ कर सकते हो। जब आप लिपसिंग का यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से शो होगी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।